एक तरफ जहां देवताओं की चर्चा हमेशा कारनामों से जोड़कर बताई जाती हैं और राजा रानी के किस्से हमेशा शौर्य और समृद्धि से जोड़कर देखे जाते हैं, वहीं हिंदुस्तान की एक रानी ऐसी थी जो थी तो मानव, लेकिन उनकी बात हमेशा दैवीय और महत्व के साथ ही की जाती है। यह रानी मीराबाई, जिन्हें बहुत ही ऊँचा दर्जा प्राप्त है। मीराबाई को कई जगहों पर पूजा जाता है और कहते हैं कि इनके आसपास रहने वालों को कई चमत्कार देखने को मिले थे। मीराबाई मेवाड़ की रानी और श्री कृष्ण की भक्ति, उन्हें अधिकतर लोग यही मानते थे कि वह दिव्य और श्री कृष्ण में लीन रहने वाली थी। मीराबाई की भक्ति आज भी कई लोगों के लिए मिसाल है। प्रभु से इतना प्रेम कोई मनुष्य ही कर सकता है जिसकी आत्मा जन्म लेते ही इस संसार की नश्वरता के रहस्य जान गई हो। उनका प्रेम तो नश्वर की सीमा पार कर शाश्वत बन गया था, लेकिन उनका जीवन ऐसा नहीं था। इसलिए क्या आप जानते हैं कि मीराबाई ने आखिर इस संसार को कैसे त्यागा और यानी उनकी मृत्यु कैसे हुई? मीराबाई केवल एक नाम नहीं है, उनकी भक्ति तरंग आस्था और श्रद्धा की गरिमा है। मीराबाई का जन्म 1504 विक्रमी के मेवाड़ के राजा रतन सिंह के घर हुआ। मीराबाई जोधपुर के रथोड़ रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री थी। राजपूत जाति में जन्मी मीराबाई का घर से बाहर पर कठोर प्रतिबंध हुआ करता था, लेकिन बचपन से मीराबाई के साथ ऐसी घटना हुई जिसके बाद वह श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गई। जब मीराबाई 8 साल की थी तब मोहल्ले में एक बारात को आते देख मीराबाई ने अपनी माँ से पूछ लिया कि मेरा दूल्हा कौन है। उनकी माँ ने मीराबाई की बाल जिज्ञासा को शांत करने के लिए कह दिया कि तेरे पति श्री कृष्ण हैं। इस घटना के बाद से ही मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया था और उनकी भक्ति में लीन हो गई। वह श्री कृष्ण की मूर्ति को नहलाती, नए वस्त्र पहनाती, भोजन का भोग लगाती, गीत गाती और नाचा करती थी। किशोर अवस्था में मीराबाई श्री कृष्ण को अपना पति मान बैठी, इसलिए तो मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन होकर हमेशा गाया करती थी। माना जाता है कि मीराबाई ने श्री कृष्ण भक्ति के लिए तुलसीदास से उपाय पूछा था। हालांकि इसका कोई ऐतिहासिक उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मीराबाई को जब श्री कृष्ण भक्ति करने के लिए मना किया गया तो उन्होंने तुलसीदास को गुरु बनाकर उनसे पत्रों के जरिए संवाद किया और अपनी दुविधाओं का उपाय मांगा। तब तुलसीदास ने उन्हें राम भक्ति करने को कहा। उन्होंने राम को लेकर भजन लिखने शुरू किए और इनमें से बहुत ही चर्चित भजन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई का विवाह महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ, जो आगे चलकर महाराणा कुंभ कहलाए। शादी के पहले दिन ही मीरा ने अपने पति से कह दिया था कि उनके केवल पति श्री कृष्ण हैं, लेकिन महाराणा कुंभ को मीरा की यह बात केवल परिहासी लगी। हालांकि धीरे धीरे श्री कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति देख उन्हें भी विश्वास हो गया। मीराबाई श्री कृष्ण की दीवानी हैं। मीराबाई की शादी के बाद भी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगी थी। वह मंदिर जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के समक्ष नास्ति गाती और भजन किया करती थी। मीरा के इन कार्यों से उनके ससुराल वाले उन पर गुस्सा होने लगे और बहुत ही क्रोधित रहने लगे। कुछ समय बाद मीराबाई के पति की मृत्यु युद्ध के दौरान हो गई। पति की मृत्यु के बाद जब ससुराल वालों ने मीराबाई को सती होने के लिए कहा तो मीराबाई बोली, मेरे पति तो श्री कृष्ण हैं। मीरा पति की मृत्यु के बाद भी मंदिर जाने लगी और भजन गीत गाकर नाचने लगी। इस पर उनके ससुराल वालों ने मीराबाई पर व्यभिचारिणी होने का आरोप लगाकर भरी सभा में मीरा को विष का प्याला देकर पीने को कहा। मीराबाई ने श्री कृष्ण का नाम लेते ही विष को पी गई। सबको लगा कि अब मीराबाई जीवित नहीं बचेगी, लेकिन विष का प्याला मीरा के लिए अमृत बन गया। श्री कृष्ण की कृपा से मीरा पर विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ। मीरा के कुछ साल बाद मीराबाई के पति भोजराज की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद ही मीराबाई को भोजराज के साथ सती होने का प्रयास किया गया। हालांकि वह इसके लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद मीराबाई वृंदावन और फिर द्वारिका चली गई। वहां जाकर मीराबाई ने श्री कृष्ण भक्ति और जोगन बन साधुओं के साथ रहने लगी। मीराबाई की मृत्यु को लेकर इतिहासकारों के बीच कई मतभेद हैं। कोई कहता है कि उन्होंने द्वारिका में देह त्यागी थी और किसी के अनुसार वह वृंदावन में थी। मीराबाई को लेकर यह लोक कथा प्रचलित है कि उन्होंने देह त्यागी थी लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। प्रचलित कथा के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मीराबाई घंटों तक श्री कृष्ण मंदिर में नाचती रहती थी। उनकी भक्ति देख पूरा माहौल दिव्य हो गया था।
एक समय के बाद वह जमीन पर गिर गई। मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए। जब कुछ क्षणों बाद खुले तो वह दिव्य रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। लोगों के अनुसार वह भक्ति बांसुरी की मधुर तान बज रही थी और मीराबाई की साड़ी कृष्ण की मूर्ति से लिपटी हुई थी। मीराबाई नहीं थी, बस श्री कृष्ण में विलीन हो गई थी। तो यह थी मीराबाई के बारे में कुछ रोचक बातें। ऐसे ही अन्य किसी के बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम आपको जल्दी से जल्दी उस पर स्टोरी आपको जानकारी दे सकें। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू द मैजिन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें, सभी का दिल से धन्यवाद। महादेव आप सभी के कष्ट दूर करें। हर हर महादेव। और सभी का थैंक यू।